Hello, to let's see round the questions. Question C. In the shown, P is not equals to R. The reading of galvanometer is same with a switch as is open or closed. Then, so यहाँ पर हमें एक ब्रिज दे रखा है जिसमें रेजिस्टेंस है पी क्यू आर एंड एस पी क्यू आर एंड जी. ओके, वाइल एस इज नथिंग बट इन बिटवीन दिस, जो कि स्विच को रिप्रेजेंट करता है. सो बोला जा रहा है कि पी इज नॉट इक्वल टू आर है, बट जब हम स्विच को ओपन रखें या फिर क्लोज रखें, सो गैलोमीटर में सेम रीडिंग मिलती है. सो हम बताना है कि आउट ऑफ दिस गिवन फोर ऑप्शन विच ऑप्शन विल बिकम करेक्ट. सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन के लिए हम बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज और बैलेंस्ड मीट व्हीट स्टोन ब्रिज. ओके, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे. सो व्हीट स्टोन ब्रिज में बेसिकली क्या होता है कि इस तरीके से फोर रेजिस्टेंस को ब्रिज के द्वारा कनेक्ट किया जाता है और इन बिटवीन दिस टू पॉइंट गैलोनोमीटर को जोड़ा हुआ होता है. बाकी ये दो जो पॉइंट है इनके बिटवीन में सप्लाई को जोड़ा जाता है इस तरीके से. सो ये जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम नेमिंग करते हैं पी क्यू आर एंड एस इस तरीके से. सो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन, यदि पी बाय क्यू ये रेशियो इक्वल्स हो जाए आर बाय एस के, सो उस कंडीशन में व्हीट स्टोन ब्रिज इज सेट टू बी इन बैलेंस कंडीशन एंड इन दैट केस द करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द गैलोनोमीटर विल बिकम इक्वल टू जीरो. दिस मीन्स टू से कि गैलोनोमीटर इस सर्किट से रिमूव हो जाएगा. सो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो हम दो केसेस को लेकर चलेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेट दैट व्हेन द स्विच एस इज ओपन, जब स्विच एस ओपन रहेगी. सो ओपन कंडीशन में क्या होगा, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा जो कि हमें ऑलरेडी सर्किट में दे रखा है. तो यदि मैं मानू कि इस कंडीशन में आईपी से फ्लोन वाला करंट आईपी है, ठीक है, आर से फ्लोन वाला करंट आईआर है, उस तरीके से इससे फ्लोन वाला करंट आईक्यू है और जी से फ्लोन वाला करंट आईजी है. सो बाय यूजिंग द बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन द करंट आईआर मस्ट बी इक्वल्स टू आई जी एंड द करंट आई पी मस्ट बी इक्वल्स टू आई क्यू, यानी कि ये जो आई आर करंट है वो आई जी के इक्वल हो जाएगा ये दोनों, और जो ऊपर वाले करंट है आई पी एंड आई क्यू. ऐसा क्यों, क्योंकि पी बाय क्यू इज इक्वल्स टू आर बाय एस होगा. सो इसी तरीके से उनमें से फ्लो होने वाला जो करंट है वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को इक्वेट करेंगे एंड देयरफॉर आई पी विल बिकम इक्वल टू आई क्यू. उसी तरीके से हम सेकंड केस को लेकर चलेंगे व्हेन एस इज क्लोज्ड, जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे. सो जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे द करंट फ्लोइंग थ्रू आउट दी एस विल बी जीरो, यानी कि जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे, सो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन अगेन वी कैन क्लियर से इसमें से फ्लो होने वाला जो करंट है वो तो जीरो ही हो जाएगा. सो उस कंडीशन में भी बाय यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस होगा. तो चूंकि हमें पता है कि ये सभी के सभी क्या है, रेजिस्टेंस. सो आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई होता है. सो यदि मैं सभी के लिए वी अपॉन आई का रेशियो रखूँ, सो अगेन इन दिस केस वी विल गेट टू नो दैट कि जो करंट फ्लोइंग थ्रू आउट आर है दिस विल बिकम इक्वल टू जी एंड आई पी विल बिकम इक्वल टू आई क्यू बिकॉज ऑफ बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन. सो हर कंडीशन में वो ओपन हो या फिर क्लोज हो, हमें करंट क्या मिल रहा है, आई आर इक्वल टू आई जी एंड आई पी इज इक्वल टू आई क्यू. सो आई आर इक्वल टू आई जी यानी कि ऑप्शन ही करेक्ट है एंड आई पी इक्वल टू आई क्यू. सो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि ओनली ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन.
आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.